एडवोकेट रवि जाधव जी भी हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, आज ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है जबकि हाई कोर्ट ने जो है कि स्टे दे दिया है, उसको लेकर अगर आप लोग आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ऑनरेबल, हाई कोर्ट ने बंद के लिए कहा है कि बंद नहीं कर सकते। हम यहाँ कोई बंद नहीं कर रहे, हालांकि ब्लैक पट्टी लगाकर हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ये है कि जो सरकार महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए विफल हो गई है महायुति सरकार, देवेंद्र फडणवीस, फिर यहाँ जो मुख्यमंत्री बैठे हुए शिंदे, जिसको हम मिंदे सरकार कहते हैं। महाराष्ट्र में कितने सारे एग्जाम्पल हो गए हैं, बदलापुर का हाल ही देखा हमने कि कितना इनह्यूमन ऐसे जो हो रहा है, इसके खिलाफ में कहीं ना कहीं आवाज़ उठाना जरूरी है। मगर ये सरकार जिस प्रकार से आंदोलन के ऊपर केसेस किया है, जिस प्रकार से लोगों को दबाया जा रहा है, तो लोगों का यही कहना है कि हमें बात करने भी नहीं दिया जा रहा है, हमारी बात रखने नहीं दी जा रहा है, इसके लिए हम उसका निषेध कर रहे हैं। और ये ब्लैक पट्टी आज मुंह पर लगाकर सभी हमारे नेता, हमारे अमीन भाई पटेल साहब, पृथ्वीराज चौहान जी और हमारी अध्यक्षा जो हर इसके लिए न्याय के लिए लड़ती रहती है, वर्षा ताई गायकवाड़ जी के डायरेक्शन के अनुसार हम कर रहे हैं। लापुर बंद हो गया, थाना में उसका प्रभाव हुआ, मुंबई में उसका प्रभाव हुआ। एक मासूम बच्ची के साथ जो अत्याचार हुआ है और उसको रफा दफा करने की जो कोशिश की गई है और उनके जो अधिकारी उन पर कार्रवाई नहीं करने की कोशिश की, उसका आपने बदलापुर, थाना और मुंबई में उसका प्रदर्शन देखा। माँ विकास अघाड़ी ने फैसला किया, दो रोज़ पहले माँ विकास अघाड़ी की मीटिंग थी, बैठक थी, उसमें पृथ्वीराज चौहान साहब के साथ तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गढ़, उद्धव बालर साहब ठाकरे गढ़, सब बड़े लीडर मौजूद थे। उसमें निर्णय लिया गया कि हम आज 24 तारीख को मुंबई बंद का ऐलान करते हैं, मगर क्योंकि हाई कोर्ट ने कल इस पर रोक लगा दी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और महा विकास अघाड़ी कानून के दायरे से एक कदम भी बाहर निकल के कोई काम नहीं करती। ये आज का धरना प्रदर्शन नहीं, बल्कि हम कानून की इज्जत करते हैं, कोर्ट की इज्जत करते हैं। कल सबसे पहला स्टेटमेंट आ गया शरद पवार जी का, उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान साहब का, उद्धव ठाकरे साहब का, कि हम मुंबई में बंद नहीं करते हैं, मगर हम मुंह पे काली पट्टी बांधेंगे, हाथ में काली पट्टी बांधेंगे और उन बच्चों और औरतों के साथ में खड़े रहेंगे जिस पे अत्याचार होता है और ये सरकार आग बन करके, मुंह बन करके बैठे रहती है, उसके खिलाफ में हम ये आज यहाँ पर जमा हुए हैं। ये ऐतिहासिक जगह है, ये मौलाना आज़ाद रोड है। मैं उसी पर आ रहा था, अमीन भाई पूछने गए थे कि अमीन भाई आपने दिग्गज नेताओं को यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपके एरिया में? नहीं, ये एरिया, ये मौलाना आज़ाद रोड है, ये हर्षद मोहानी चौक है। हर्षद मोहानी साहब के बारे में आप जानते हो कि बड़े बड़े नारे इस देश को उन्होंने दिए और फ्रीडम के अंदर, आज़ादी को दिलाने के अंदर महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में मिलके कदम से कदम उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया उन्होंने। आज इस चौक से, ऐतिहासिक चौक से हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मैसेज सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश के उन सभी लोगों के लिए है कि जहाँ पर भी अत्याचार होगा कांग्रेस पार्टी वहाँ पर उनके साथ में खड़ी रहेगी और इस सरकार को, वो केंद्र में हो या मुंबई महाराष्ट्र में हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। हम अपनी बच्चियों पे, हमारी बहनों पे अत्याचार होने को नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी की सभी औरतें रास्ते पे उतर के उनकी सुरक्षा करेगी। अमीन भाई, हाईकोर्ट के ऑर्डर पे कोई टिप्पणी, क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट तो होते रहते हैं, फिर ये प्रोटेस्ट बंद तो आप लोगों की कोई टिप्पणी? हम मुंबई हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं और मुंबई हाईकोर्ट के आदेश को सर आंखों पे लेकर हमने अपना बंद कैंसिल कर दिया है। मगर मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय ये है कि इतना बड़ा हादसा, इस पे तो देश बंद होना चाहिए। एक 4 साल की 6 साल की 8 साल की बच्ची पे अत्याचार होता है और हम लोग एक प्रदर्शन तक नहीं कर सकते, मगर क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला, हम सर आंखों पर, हम हर हाईकोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे। कल शरद पवार साहब ने कहा है कि अगर जाना पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी ऐसे जो वाकये होते हैं उसके खिलाफ कोई पार्टी नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई मज़हब नहीं, कोई प्रांत नहीं, हम सबको एक साथ में रहना चाहिए और हमारी बहनों की, बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए। अमीन भाई, परसों आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, किसी पोस्टों का रेप हुआ है, किस बारे में? वो
केस हुआ, मैं पुलिस स्टेशन में जाके मिला, वो आदमी गिरफ्तार हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, उस बच्ची को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उनके माँ बाप को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, मेरी DCP और आला ऑफिसर से बात हुई है, इसकी उसको अरेस्ट कर लिया गया है, केस रजिस्टर हो गया, उसके ऊपर जांच जारी है। अभी आपने कहा कि बहुत आक्रोश होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। आक्रोश नहीं, आक्रोश वर्ड गलत है, मगर हमारी बच्चियों और हमारी बहन के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है तो उनके समर्थन में हमको खड़े होना चाहिए। वही कहा कि खाली महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने ही महाराष्ट्र में क्यों बंद का ऐलान किया, पूरे देश में क्यों नहीं? देखिए, घटना बदलापुर में हुई है, घटना महाराष्ट्र में हुई है, पहले अपने घर को सुधारने की जरूरत है। हमारे घर के अंदर जो अटैक्स हो रहे हैं बच्चों पे, यहाँ की सरकार को हमको जगाना है, और ये सरकार जब तक जागेगी नहीं हम अपनी आवाज लेकर घूमते रहेंगे। सर, जिस तरह से यहाँ पे रेप हो रहा है और रामगिरी का जो मामला है, 17 FIR हो गया, उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, इलेक्शन करीब है। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में एक शब्द हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर जगह FIR हुई है, हमने सरकार से भी ये मांग की है कि जो लोग इस तरह के वाकया करते हैं उनके ऊपर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, और जब तक कार्रवाई होगी नहीं हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको नहीं लगता महाराष्ट्र करने की साजिश है? महाराष्ट्र को हर तरह से पोलराइज करने का ये काम हो रहा है, मगर हम होने नहीं देंगे। यहाँ के लोग बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, महाराष्ट्र सूफी और संतों की जगह है, ये आप देखते हो कि हर जगह सूफियों की दरगाह है, संतों की जगह है, ये महात्मा फुले अम्बेडकर का देश है, और यहाँ पर जो इस प्रदेश के अंदर शांति रहेगी, और अब उसका रिजल्ट आने वाले नवंबर के चुनाव में देखेंगे। वक्फ बोर्ड बिल पे आपके जो सहयोगी हैं वो गायब हो गए थे लोकसभा से, 9 MP, उस पर क्या कहना? कल अरविंद सावंत जी का एक बयान आया है, इसके पहले उद्धव ठाकरे ने सन्मुखानंद हॉल में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हम वक्फ की 1 इंच की जगह पर भी कब्जा होने नहीं देंगे। वो सवाल आप उनको पूछिए। मेरी जवाब देने, कल इस्लाम जिमखाना के अंदर एक मीटिंग हो रही थी, जिसमें अरविंद सावंत ने खुद कहा है कि मैं ये जो JPC बनी उसका मेंबर हूं, और आने वाले दिनों में आप मेरा कड़ा रुख इस बिल के लिए देखेंगे। सवाल यही है, ठीक है, वो रीजन दे रहे हैं, हम आपको वो एक जगह इंच हाथ नहीं करा देंगे, आपकी सरकार रहते टाइम रिलायंस की जो जगह है, अंबानी की जो जगह है वो चले गई, बात ये है कि उस वक्त क्यों नहीं थे, ठीक है, अब वो करेंगे, आप एक्शन लेंगे। सलीम भाई, उन्होंने उसकी वजह दी है, आप उन्होंने कहा कि उस दिन उद्धव ठाकरे दिल्ली में थे, और वफ का जब बिल पेश होता है, जब डिबेट डिस्कशन होती है, कांग्रेस पार्टी और महा विकास अघाड़ी इस बिल का पुरजोश विरोध करेगी। इंडिया अलायंस, आपकी उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात हो रही है जो गायब हो गई थी, नौ आपने सवाल क्यों नहीं किया, क्या आपने सवाल किया है? मेरी अरविंद सावंत जी से बात हुई, मेरी उद्धव ठाकरे जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि उस दिन दिल्ली में उद्धव ठाकरे थे, और बिल जब पेश होता है, जब डिस्कशन नहीं होता है, खाली पेश किया जाता है, उस पर डिस्कशन हुआ, मगर मैं आपके बताता हूँ कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस ने इस बिल को JPC के पास भेजा है, और JPC के अंदर हमारे कांग्रेस के सदस्य, महाविकास अघाड़ी के सदस्य और इंडिया अलायंस